Dear students, welcome to my channel. Today I am teaching you statistics and this is chapter number 1. Now today we are going to start this method, ideal index number. सिर्फ name अलग है, बाकी आप लोगों ने अभी तक जो भी method apply किए हैं like Passe, Fisher's, बस उसी मेथड के अकॉर्डिंग आपको सम करना है. आइडियल इंडेक्स नंबर इट मींस फिशर्स इंडेक्स नंबर. कभी भी आपको सम में आइडियल इंडेक्स नंबर अगर फाइंड आउट करने के लिए कहा है तो आप कौन सा फाइंड आउट करोगे? फिशर्स इंडेक्स नंबर. ओके, नाउ हियर वन एग्जांपल अबाउट दिस मेथड. सी हियर आइटम्स बेजियर, दिस इज प्राइस एंड दिस इज क्वांटिटी. करेंट ईयर 2015, this is price and quantity. For A, price 16 and quantity 10. For B, price 20 and quantity 9. For C, price 32 and quantity 16. Same here for current year, price A 20, 10 quantity 11. For item B, 24 and quantity 9. For item C, price 40 and quantity 9. ओके, अब इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं कि कैसे आइडियल इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करते हैं. ओके फ्रेंड्स, नाउ दिस इज आंसर एंड दिस इज फॉर्मेट फॉर फाइंडिंग आंसर. फर्स्ट आइटम, सेकेंड वन P0 एंड Q0, इट मीन्स बेजियर प्राइस एंड बेजियर क्वांटिटी. P1, Q1, करेंट ईयर प्राइस, करेंट ईयर क्वांटिटी. ओके, जो हमने सम में जो देखा है वही फिगर्स यहाँ हमने पुट कर दिए. देन नाउ आंसर स्टार्ट फ्रॉम दिस कॉलम. फर्स्ट P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1 एंड P0 Q1. नाउ P1 Q0, वेयर P1 दिस एंड Q0 दिस, मल्टीप्लाई टू दिस टू कॉलम. 10 मल्टीप्लाई बाय 20, इट मीन्स 200. देन 9 मल्टीप्लाई बाय 24, देन 216. देन 16 × 40, 640. नाउ P0 Q0, P0 हियर एंड Q0 हियर. सो 16 × 10, 1600. 20 × 9, 180. 32 × 16, 512. Now P1 Q1, here P1 and Q1. So 20 × 11, 220. 24 × 9, 216. 40 × 17, 680. And finally P0 Q1, here P0 and here Q1, first column and last column. So 16 multiplied by 11, so 176. 20 × 9, 180. And 17, so 544. Now total this column, P1 Q0, then P0 Q0 and P1 Q1 and P0 Q1. So sigma P1 Q0 equal to 1056, sigma P0 Q0 equal to 852, sigma P1 Q1 equal to 1116 and sigma P0 Q1 equal to 900. अभी तक हमने जितने भी सम किए ये चारों फाइंड आउट करने के बाद हम लास्ट ईयर पासे और फिशर ये तीनों के आंसर फाइंड आउट करते थे उनके मेथड के अकॉर्डिंग, उनके फॉर्मूला में अमाउंट पुट अप करके. बट यहाँ पे आपको आइडियल मेथड इट मींस फिशर्स का इंडेक्स नंबर ही फाइंड आउट करना है. फिशर्स का अभी तक हमने जितने इंडेक्स नंबर फाइंड आउट किए तब हम इस मेथड का यूज करते थे, अंडर रूट IL × IP. बट यहाँ पे ये मेथड हम यूज नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि हमने लास्ट ईयर का इंडेक्स नंबर और पासे का इंडेक्स नंबर फाइंड आउट नहीं किया है, हमें सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है? फिशर का. सो मैंने पहले एक एग्जांपल में आपको ये उसका मेथड बताया था, ठीक है?
इस मेथड के अकॉर्डिंग हमें फिशर का इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है. सो सिग्मा पी वन क्यू जीरो और सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो, इट मीन्स ये लास्ट ईयर का फॉर्मूला है. देखो आई एल है ना, लास्ट ईयर का फॉर्मूला है. फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम, टोटल ऑफ फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम, इट मीन्स 1056 एंड 852. सो 1056 अपॉन 852 देन इनटू सिग्मा पी वन क्यू वन सिग्मा पी जीरो क्यू वन. हियर सिग्मा पी वन क्यू वन एंड सिग्मा पी जीरो क्यू वन. सो अमाउंट हियर एंड मल्टीप्लाई बाय 100. मल्टीप्लाई बाय 100 अंडर रूट से बाहर लिखना है. ठीक है, नाउ फाइंड दिस सॉल्यूशन. अंडर रूट 1.5369 मल्टीप्लाई बाय 100, सेम अंडर रूट ओवर 1.2397 मल्टीप्लाई बाय 100, देन आंसर इज 123.97. सो IF इक्वल टू 123.97. इस फॉर्मूला में हम मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करते थे. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जब हम आंसर इसका फाइंड आउट करके लिखते थे उसमें 100 इंक्लूडेड था, इसलिए हम नहीं लिखते थे. बट यहाँ पे हमें आंसर नहीं लिख रहे बट इसका टोटल लिख रहे, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100. ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. एकदम इजी सम है, एकदम इजी मेथड है. सिर्फ आपको इसमें फिशर का ही फॉर्मूला, फिशर के अकॉर्डिंग ही आंसर फाइंड आउट करना है और लास्ट ईयर और पास ईयर का आंसर फाइंड आउट नहीं करना है. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ यू फाउंड इट हेल्पफुल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. ओके बाय, हैव अ नाइस डे.